welcome back to our maths online class. Today we will start exercise 3.12 and question number 3. Question number 3 is Chaya bought 20 copies for rupees 360. Chaya bought का means क्या होता है? खरीदना, ठीक है? तो छाया ने खरीदी 20 कॉपीज रुपीज 360, स्टेट द कॉस्ट ऑफ वन कॉपी. तो हमें फाइंड क्या करना है? कॉस्ट ऑफ वन कॉपी. सो द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन मोर देन, ओके, यानी अगर किसी भी क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो ज़्यादा की गिवन है, एंड वी फाइंड वन थिंग्स, ठीक है, हमें क्या फाइंड करनी हो? द कॉस्ट ऑफ वन थिंग. तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में? ज़्यादा की गिवन हो, मोर की गिवन हो, और हमें वन की फाइंड करनी हो, कोस्ट या कुछ भी चीज़ है ना, तो वन की फाइंड करने के लिए ऐसी कंडीशन में हमेशा डिवाइड होगा उस क्वेश्चन में. डिवाइड किसके बीच में होगा? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेस मेन प्रॉब्लम कि वो डिवाइड किससे कर देते हैं? 360 को वन से कर देते हैं. बट अगर आप वन से करोगे तो आंसर तो वही आएगा. 360 कोई भी डिजिट को अगर वन से डिवाइड करो आंसर वही आएगा. तो वन से डिवाइड नहीं करते. जितने नंबर्स की वो गिवन होती है इन्फॉर्मेशन, यानी यहाँ पे 20 कॉपीज की कॉस्ट कितनी है? 360. तो 360 को 20 से डिवाइड करेंगे, ना कि वन से. फॉर द एग्जाम्पल, द कॉस्ट ऑफ 20 टेबल्स इक्वल, या 20 की जगह कुछ भी नंबर ले सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ 50 टेबल्स इक्वल 50,000 समथिंग. तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन टेबल, तो यहाँ पे 50 की जो कॉस्ट होगी, 50 को जो नंबर होगा उससे डिवाइड करना है, ठीक है. तो द कॉस्ट ऑफ 20 कॉपीज, कॉस्ट कितनी है कॉपीज की? रुपीज 360, यानी 20 कॉपीज 360 में आती हैं. कॉस्ट ऑफ वन कॉपी फाइंड क्या करना है हमें? कॉस्ट ऑफ वन कॉपी, वन कॉपी की कॉस्ट फाइंड करनी है. वन की फाइंड करनी होती है वैल्यू. मोर की गिवन होती है इन्फॉर्मेशन, मोर की चीज गिवन है इसमें इन्फॉर्मेशन, और वन की फाइंड करनी होगी डिवाइड. और अगर मोर की वन चीज थिंग्स की गिवन होती है इन्फॉर्मेशन और मोर की फाइंड करनी होती है हमें तो कोई भी चीज़, तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में? मल्टीप्लाई. मोर की डिजिट की फाइंड करनी है वैल्यू तो मल्टीप्लाई, और वन की गिवन करनी है तो डिवाइड. तो इस क्वेश्चन में हम डिवाइड करेंगे, यहाँ कर लेते हैं 360 divide 20. So 20 की टेबल नहीं आती, 2 की टेबल से कर सकते हैं हम. बस आपको उसके पीछे जीरो लगाना है. जैसे 2 2 1s are 2 2 2s are 4, कितना करते हैं जब हम, एक सेकेंड, 2 1s are 2 2 2s are 4. अगर 4 के पीछे हम 1 0 लगाएं, बिकॉज यहाँ पे 20 है ना, 2 नहीं है, 20 की 2 से ही 20 की टेबल्स बन जाएगी. जैसे 21 are 20 22 are 40, और 2 2s are 4, तो उसके पीछे हमें 1 0 लगाना होता है. 22 are 40 होता है, तो हम इसको वन टाइम लेंगे, 21 are 20, देन माइनस करेंगे, माइनस 6 में से 0 माइनस करेंगे 6, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, और हम फिर डिजिट यहाँ पे नोट डाउन करेंगे 0. अगेन हम 20 की टेबल, या तो आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, अदरवाइज 2 के टेबल, 2 8 जो होता है 16, अगर 16 के पीछे हम 0 लगाए तो 160 हो जाएगा, ठीक है. 2 8 जो 16, तो 20 8 जो भी क्या होता है 160, 20 8 जो 160. सो कॉस्ट ऑफ वन कॉपी इक्वल कितनी आएगी? कॉस्ट ऑफ वन कॉपी रुपी 80, एक कॉपी की कॉस्ट आएगी 18 रुपीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4. धीरज हैव 864 बनानास. धीरज के पास कितने बनानास है? 864 बनानास है. स्टेट हाउ मैनी डजन बनाना ही हैज. डजन का मीन्स होता है किसी भी चीज़ में अगर डजन होती है तो 12 थिंग्स होती है, ठीक है. कोई भी होगा, वन डजन का मीन्स होता है 12 थिंग्स. तो स्टेट हाउ मैनी डजन बनाना ही हैज, तो कितने डजन बनाना होंगे? तो यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन गिवन है, एक ही डिजिट्स गिवन है इसमें, और इंफॉर्मेशन में आपको बोला डजन बनाना, फाइंड करना है कि कितने डजन बनाना है.
तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर ऑफ बनानास धीरज है, कितने नंबर ऑफ बनानास धीरज के पास है, 864। देन वन डजन का मतलब होता है 12, कोई भी 12 चीज हो तो उसको हम बोलेंगे वन डजन, ठीक है। तो हमें डजन में बनाना फाइंड करना है, बनाना किसमें फाइंड करना है, डजन में। तो हम क्या करेंगे, 12 को 864 से डिवाइड करेंगे। जीरो, यहाँ पे हम डिजिट नोट डाउन करेंगे, माइनस करने के बाद हमेशा डिजिट लिखेंगे। देन 12 2 24, तो यहाँ पे 72 डजन बनाना हो गए। तो यहाँ पे कितने डजन बनाना हो जाएंगे, 72 डजन बनानास ही हैज नहीं लिखोगे इतना भी आंसर, ठीक है। कितने डजन बनाना हो गए, 72 डजन बनानास। So each student do question number 3, 4 and also question 5 in your copy. Thank you.